वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों, आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या होगा। जी, आज हम चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि श्रावण महीने में शिव की बड़ी कृपा होने वाली है, यानी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह मेष से लेकर मीन राशि के लिए हो रहा है तो आपकी राशि पर भी होगा। अब वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में शनि अभी वक्री चल रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति भी अभी मांगलिक योग बना रहे हैं, राहु का शनि के नक्षत्र में परिवर्तन हो गया है, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये पुनः कन्या राशि वालों के लिए कैसे होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता वह अपनी नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ऑफिशियल नंबर है जो कि नीचे दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो कृपया ध्यान दीजिए, आपको अलग नंबर से संपर्क करते हैं तो वह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहता हूँ। मित्रों, आज के घोर प्रतिस्पर्धा के युग में एक एक क्षण कीमती है। कोई भी व्यक्ति असफल होने के लिए इस पृथ्वी पर जन्मा नहीं है, लेकिन गलत निर्णयों की वजह से पूर्ण रूप से प्रयास करने के बावजूद भी आप असफल होते हैं तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। अब हर परिस्थितियों में प्रेरित होना सीखें, हौसला बनाए रखें और आप पॉजिटिव रहते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी आपको लाभ देने लगती है। इसीलिए आप केवल न केवल पॉजिटिव रहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण महीने में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके ऊपर न तो शनि की साढ़े साथी चल रही है और न तो शनि की ढैया चल रही है। अब ऊपर से श्रावण के महीने में ग्रहों की योग कारक स्थिति आपको महीने के प्रारंभ में ही कई सुखद उपलब्धियां दिलाएगी, कार्य क्षमता, पद और गरिमा की वृद्धि कराएगा। मित्रों, हर व्यक्ति की इच्छा और हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह जीवन में तरक्की करे, लेकिन वह तरक्की तभी कर पाते हैं जब भाग्य का साथ मिल जाए। ऐसे में भाग्य भाव में ही गुरु मांगल्य योग बनाकर बैठे हैं, तो बार बार असफल होना, बार बार नुकसान होना, इन परिस्थितियों से बच निकलेंगे, क्योंकि भाग्य की मजबूती से आपके द्वारा लिए गए निर्णय एवं किए गए कार्यों की सराहना होती है। बिजनेस में सफलता मिलती है, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होने से आपकी आमदनी में इजाफा होता है। लेन देन के मामले ईमानदारी और पारदर्शिता से चलते हैं। ऐसे में अगर आप नौसेना, शिपिंग विभाग, शिक्षक, सुगर मिल्स, एस्ट्रोनॉमी, एविएशन या फिर होटल से संबंधित क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको बड़ी कामयाबी मिलती है। अगर आप किसी बड़े व्यापार का आरंभ कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता प्राप्त होती है। शुक्र के सहयोग से आपको लाभ मिलता है। कन्या राशि वालों, शुक्र कहाँ है? शुक्र है आपके 12वें भाव में। किसके साथ बैठा है? आप ही की राशि के स्वामी के साथ बैठा है, इसीलिए यह अगस्त का समय शुभत्व का परिचय दे रहा है। आपको उच्च स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। जमीन खरीदने बेचने के मामलों में आप लाभ में रहेंगे। खासतौर पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी धन आगमन के नए नए स्रोत पैदा होंगे, यानी कि आपको जिंदगी एक ऐसे नए मुकाम पर ले जा सकती है जहां पर अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। मित्रों, बुध के साथ सूर्य भी उपस्थित है तो यह शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता देता है। संतान प्राप्ति अथवा तो प्रादुर्भाव की योग निर्मित करता है। विदेश यात्रा के अवसर देता है और इसमें भी कन्या राशि के जो व्यक्ति तकनीकी कार्यों से संबंध रखते हैं, वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखते हैं, आविष्कार कार्यों के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें आश्चर्यचकित करता है, मालामाल करता है। यानी कि सावन महीने में भगवान शिव अद्भुत और कुछ बड़ा अवश्य ही करेंगे। 16 अगस्त से जैसे ही सूर्य ग्रह अपनी स्वराशि में पहुंचेंगे तो वह पारिवारिक एवं पद से संबंधित चिंताओं से मुक्त करेंगे। ऐसे में ऑफिस में कार्यरत छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ न कुछ लाभ मिलते हैं।
जो लोग सरकारी विभाग में कार्यरत है, इसे लोगों के प्रमोशन के योग निर्मित होते हैं। आपके द्वारा पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलता है, रोजी रोजगार में वृद्धि होती है। साथ ही साथ अगर आप बिजली, पानी, पक्की सड़कें, रेल ट्रैक, बस, कूलर, फ्रिज, टीवी, रेडियो, टेलीफोन आदि से संबंध रखते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि यह सब काम इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है और उनके स्वामी मंगल है जो 26 अगस्त तक वृष राशि में रहने वाले हैं, तो वो आपको मालामाल करेंगे। इसमें भी खासतौर पर जो अन्य राज्यों या फिर विदेश में है उन लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं, अवसर प्राप्त जरूर होते हैं। कन्या राशि वालों, सावन महीने में यह पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि आपके राशि स्वामी कर्म भाव के लुढ़ होकर द्वादश भाव पर बैठे हैं, उनकी पूर्णदर्शी छठे भाव पर हो रही है, तो आप अपनी बुद्धिमता से हर कार्य सफल करते हैं। आपको परिवार के सदस्यों के सहयोग से लाभ मिलने लगता है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनको लाभ प्राप्त होता है। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार हो जाता है, साथ ही साथ इस दौरान अपने रिश्ते भी बना पाते हैं, यानी कि जो सिंगल होते हैं वह अपने लिए प्रियतम की तलाश करते हैं और उन्हें वह प्राप्ति होते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, आपके संबंध माता पिता के साथ बेहतर हो जाते हैं और उनकी वजह से आपको कुछ विशेष लाभ भी मिलता है, और इस अवधि के दौरान आप कुछ बड़े बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। खासतौर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यक्ति इस वक्त आकस्मिक रूप से धन प्राप्त कर लेते हैं। आप शेयर बाजार में भी धन निवेश की योजना बनाकर अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं। इसमें भी जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर नहीं होगा, नीच भाव में का नहीं होगा, तो आप सपनों को सच करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली को जाने देखे निवारण करके जीवन में आगे बढ़े। कन्या राशि के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा, यह थी कुछ जानकारी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।